ढाबाडी के लिए आपको बाएं साइड सीधा बाबा गेट पार करके जाना पड़ेगा। ढाबाडी बाएं साइड, ये देखिए हम लोग अभी सुर्खी के लिए मोड़ रहे हैं, सुर्खी चौक के लिए, क्योंकि जिस विश्वास को मैं दिखाना चाहता हूँ वो इसी रास्ते में है। और इसमें अंबुजा सीमेंट है ना, जो अडानी पावर का आजकल हो गया है, तो उसका जो रेलवे लाइन गया है उसकी वजह से ये रास्ता बंद था, नो मतलब क्योंक में नहीं था। ये देखिए राइस मिल में ऐसे ही होता है, सीधा ट्रक सड़क में चढ़ता है, सीधा अंधाधुंध, किसी को नहीं देखते, सीधा चढ़ता है इसी सड़क में, ट्रक है होते हैं वो। तो देख के चलिएगा दोस्तों, राइस मिल एरिया है यहाँ भी। आगे आपको SR का पेट्रोल पंप मिलेगा इसी रास्ते में, और ये आपको सुहेला रोड भी है, आप सीधा जाएंगे तो आप जरूरत होते सुहेला जाएंगे, और उसी के बाद जो है SR का पेट्रोल पंप यहाँ देखिए। और हम बाएं साइड घूम जाते हैं, देखिए यहाँ बलौदा 26 मीटर, कसडोल 56, सीरान 80 मीटर, सुहेला यहाँ 13 और खरौर यहाँ से 44 मीटर। हमारे दाहिने साइड से जो रोड कटा है उसमें जाएंगे आप, सुहेला में तो आप पहुँच जाएंगे वहाँ, तो हम उसमें नहीं जा रहे दोस्तों। हम जा रहे हैं आपका ये बलौदा रोड बाईपास, भाड़ापारा बाईपास रोड वाया खोखली, देखिए लगा है खोखली का बोर्ड, सीधा बलौदा लिखा है। भाड़ापारा सिटी जाना है आपको तो बाएं साइड, और सुहेला जाना है तो आप दाएं साइड जा सकते हैं। और ये हम बाईपास में प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों, भाड़ापारा बाईपास वाया बलौदा रोड, मतलब बलौदा जा रोड के लिए बाईपास है ये, भाड़ापारा सिटी के आउटर से। इस रास्ते में दोस्तों गांव खोखली के बाद सेमरिया, ग्राम सेमरिया और ग्राम गोगिया पड़ेगा, उसके बाद ग्राम राजाढार से हम फिर से वापस भाड़ापारा बलौदा रोड में इंटर कर लेंगे। तो ये रास्ता मेरे लिए भी नया था, मैं इस रास्ते से वापस घर गया हूँ मैं हस्बैंड, तो उस समय नहीं दिखा पाया आपको, असलियत उसी दिन मेरा मोबाइल चोरी हुआ था, तो इस वजह से मेरा दिमाग अपसेट था, तो उस दिन मैं रिकॉर्ड नहीं किया, तो आज आया हूँ तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप सभी के लिए। श्री गंगा फूड्स खोखली भाड़ापारा राइस मिल जो भी फूड्स, ये है आपका बाईपास रोड, यहाँ से राजाढार है 6 मीटर दूर, तो आपका खोखली से 6 मीटर दूर पार करके जाके आप वापस भाड़ापारा बलौदा रोड में मिल सकते हैं। ये आपका बाईपास रोड खाली है एकदम, 4 लेन या 2 लेन जिसे भी कहना चाहिए हाईवे। ये भी सिटी के अंदर जाने का रास्ता होगा दोस्तों, नहीं नहीं कच्ची रोड है पता नहीं दोस्तों, भाड़ापारा ही जाने का रास्ता होगा, कोई ऐसा जो कच्ची है बरसात में चलने के लायक नहीं है। मेरे ख्याल से सेमरिया गांव हमारे दाहिने साइड पड़ेगा, आगे थोड़ा आउटर में होगा, और गोगिया हमारे बाएं साइड होगा शायद, या पता नहीं उसको, नहीं पता, बस्ती दिखता नहीं दोस्तों यहाँ से, बस्ती बहुत दूर दिखता है। देखिए यहाँ पूरा राइस मिल का ही, पूरा राइस मिल टाइप का लगता है भाई, फूड इंडस्ट्रीज जो भी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों ये है आपका खोखली, राजाढार या कहना चाहिए भाड़ापारा बाईपास रोड, और यहाँ अभी भी काम चल रहा है प्लांट लगाने का, राइस मिल, फूड इंडस्ट्रीज, वही सब। हमारे दाहिने साइड हमको एक बस्ती दिख रहा है दोस्तों, शायद वही ग्राम सेमरिया होगा सब दोस्तों, एक बस्ती दिख रहा है छोटा सा, वही ग्राम सेमरिया हो सकता है हमारे दाहिने साइड। मैं गूगल में चेक किया, ऐसा बोर्ड कहीं लगा नहीं है दोस्तों कि सेमरिया ग्राम यहाँ है, पर गूगल में चेक किया उस हिसाब से हो सकता है ये सेमरिया गाँव हो हमारे जो दाहिने साइड दिख रहा है। और इसी सेमरिया गाँव के समानांतर में हमारे बाएं साइड है आपका पावर ग्रिड का 220/440 आप्लिक 220 आप्लिक 132/33 का ना टावर वाला वो है कंपनी, उसी का है। देखिए ये जो टावर क्रॉस हुआ है, टावर लाइन इसी के जुड़ा हुआ है लाइन पावर ग्रिड का, जो कि आप भाड़ापारा बलौदा भाड़ापारा रोड में चलेंगे तो दिखेंगे आपको, और यहाँ से भी दिख जाएगा आपको हमारे बाएं साइड, और ये कोई कंपनी का
कॉलोनी है हलफ से प्लांट वालों का, जो वर्कर के रहने के लिए रेसिडेंस। ये यहाँ यहाँ से रास्ता कटा हुआ है दोस्तों, ये ग्राम सिमरिया के लिए कटा होगा यहाँ से, पर कोई बोर्ड लगा नहीं है तो नहीं पता दोस्तों हमको। और हमारे ये बाईं साइड से भी एक पीछे रोड कटा है, ये आपका पावर गेट के लिए है दोस्तों। हाँ, पावर गेट के लिए पीछे से रास्ता ये उसी वहीं जाने के लिए है पावर गेट के लिए। आगे से भी रास्ता है पर पीछे से भी एक रास्ता दे दिया गया है पावर गेट के लिए। और यह हमारे बाएं साइड एक गांव आ रहा है, ये हो सकता है गोगिया ग्राम, गोगिया उसी के लिए सड़क है दोस्तों। मैं पावर गेट के लिए सोच रहा था, उसके लिए भी है और आपका ग्राम गोगिया के लिए भी है। ग्राम गोगिया थोड़ा फैला हुआ है, दो पार में बटा हुआ है, और पावर गेट का सभी टसन वहाँ दिख रहा है दोस्तों। तो यहाँ से सब ख्याल से 3 या 4 किलोमीटर दूर होगा, 3 किलोमीटर आराम से होगा। इधर का गेट है दोस्तों, इधर ही दिख रहा है यहाँ पे, जो हरा रंग का जो बना है बिल्डिंग वो ही पावर ग्रिड का पीछे वाला हिस्सा है। और ये ग्राम गोगिया की तरह लग रहा है दोस्तों, ये ग्राम गोगिया है, ग्राम गोगिया जिला बलौदा और भाटापारा। भाटापारा सब जिला है दोस्तों, उप जिला। ये है ग्राम गोगिया जो कि आपके बाईपास रोड में है, खोखली वाया राजा ढार बाईपास, ग्राम गोगिया। बोर्ड कहीं लगा नहीं है दोस्तों, मैं गूगल में देख के बता रहा हूँ आपको, रोड से आपको दिखा नहीं पाऊँगा कोई बोर्ड कि ये कौन सा ग्राम है, पर गूगल में चेक किया उस हिसाब से ये ग्राम गोगिया है। ये देखिए बाजू में हमारे रास्ता का एक सड़क, ये ग्राम गोगिया के लिए गया है आपके हाईवे से। एक और रास्ता और है पीछे शॉर्टकट, ये थोड़ा घूम के आया है दोस्तों, ये पुराना रोड लग रहा है मुझको, और जो वो थोड़ा आगे हमारे जो अभी क्रॉस कर लिए हैं वो थोड़ा पुराना रोड है ऐसा लगता है। ये भी रास्ता क्रॉस हुआ है दोस्तों, यहाँ से इधर क्रॉस हो गया है, कहाँ जाने का रास्ता है पता नहीं। गूगल में अब लगाए नहीं तो मैं चेक नहीं कर पाऊँगा दोस्तों कि वो कौन सा रास्ता है। अभी हम फिलहाल बाईपास रोड में चल रहे हैं। यहाँ पे एक बोर्ड लगा है दोस्तों जिसमें संकेतक है, सीधा बलौदा रोड जा सकते हैं, और राजा ढार हमारे बाएं साइड है और ग्राम गुर्रा हमारे दाएं साइड। ग्राम गुर्रा के लिए दाएं साइड से रास्ता कटा है दोस्तों, ग्राम गुर्रा हमारे दाएं साइड है, थोड़ा दूर है सड़क से गुर्रा, और बाएं साइड है आपका राजा ढार। ग्राम गुर्रा के लिए भी रास्ता कटा है, ग्राम राजा ढार के लिए भी रास्ता कटा हुआ है। राजा ढार हमारे बाएं साइड, ग्राम गुर्रा हमारे दाएं साइड। और ये ट्रक पार्किंग है दोस्तों, रेस्ट एरिया, ट्रक दोनों तरफ। ये आपका आ गया राजा ग्राम राजा ढार, और ग्राम गुर्रा के लिए तो रास्ता कट गया ग्राम राजा ढार। ये है ग्राम राजा ढार आपका भाटापारा बलौदा मेन रोड में स्थित है, बाईपास रोड में भी स्थित है सकता है, या तो बाईपास रोड में ही स्थित है दोस्तों, मेन रोड में नहीं है, ऐसा कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बाईपास रोड है, बाईपास रोड में स्थित है, स्थिर नहीं स्थित। यहाँ से बलौदा 19 मीटर दूर पड़ेगा दोस्तों, और हमको मेन रोड नज़र आना चालू हो गया। यहाँ भी खेती किसानी का काम चालू हो रहा है, धान सींचा जा रहा है, उसके बाद जुताई किया जाएगा। आगे जो आपको रेलवे फाटक दिखेगा, इसी की वजह से ये हाईवे मतलब जो बाईपास बनकर तैयार हो गया था करीबन
साल दो साल पहले, पर ये रोड चालू हुआ नहीं था क्योंकि अंबुजा सीमेंट में जो प्लांट का जो रेलवे लाइन है उन्होंने रास्ता नहीं दिया था उसको। तो अभी के जो वर्तमान के जो कलेक्टर हैं उनका नाम उसको नहीं पता, अपने बलौदार के, उन्होंने आदेश जारी करके इसको ना खोला गया इसका रूट। देखिए यहाँ पे पहले लोहे के मतलब रेल पुल लगा हुआ था, तो पूरा जगह घेर दिया गया था, इसमें पेवर ब्लॉक या जैसे भी लगा के प्लांट ने रास्ता दिया है इस हाईवे को खोलने के लिए, नहीं तो इसमें पहले रास्ता ही नहीं था। अब ब्रेकर इतना ऊंचा बनाया गया है कि सीधा गाड़ी की इंजन पकड़ रहा है। और देखिए यहाँ से भाटापारा 5 किलोमीटर पड़ेगा हमारे बाएँ साइड, चंदखुरी 18 किलोमीटर मतलब मेन रोड पर होगा, बिलासपुर 72, नानघाट 23 किलोमीटर पड़ेगा हमारे बाएँ साइड, और दाहिने साइड पड़ेगा अर्जुनी 7 किलोमीटर, बलौदा 18, श्रीनगर